हेलो। हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, और अगर ज़्यादा पढ़ भी ले तो उन लोग के लिए पढ़े लिखे रिश्ते नहीं आते। यहाँ का कल्चर ही नहीं मानता है लड़कियों को, यहाँ पे लड़कों को भी नहीं पढ़ाते। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि पढ़ाना तो चाहिए, एजुकेशन इज़ द नेसेसिटी। फोर्थ फिफ्थ में लड़की जाती है तो बस पूरा हो गया, फिर लड़की बड़ी हो गई उसको निकाल देते स्कूल से। इन लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है लड़कों के साथ नहीं पढ़ाने का लड़कियों को। हमारे मम्मी पापा ने तो यही सिखाया, हमें कभी लड़का लड़की का फ़र्क रखा ही नहीं, हमको अपने लड़कों की तरह ही पाला है। फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है हम तीनों बहनों के सिवाय, तो मेरी मम्मी का ऐसा शौक था कि मैं मेरी बेटियों को पढ़ा लिखा के ऊँचे तक पहुँचाऊँगी, मतलब जो भी उनको जॉब करनी हो या कुछ भी करना हो तो उनको वो बनाऊँगी। सब मैनेज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं सुबह को 5-6 बजे उठती हूँ, नाश्ता वाश्ता करती हूँ, फिर अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ, फिर 2 से 5 हम सेंटर में देते हैं, वहाँ पे मैं बहनों को सिखाती भी हूँ। और सपोज 2 से 3 का जिसका टाइम है तो 3 से 4 वो मेरे पास पढ़ने बैठेगा। मैं आई उसके 3-4 महीने बाद हमको ये आइडिया आया कि स्टिचिंग तो कराते हैं, पर साथ में ये बहनें खाली स्टिचिंग करके चली जाती है, इससे अच्छा हम इनको एजुकेशन भी दे फ्री में, कि पैसे से एजुकेशन देंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हमने ऐसा सिस्टम रखा कि जो सिलाई करने आएंगी उनके रेगुलरली अपनी बुक्स और पेन लेके आने की, नहीं होंगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। और 2 से 3 जिसका टाइम है स्टिचिंग का, वो 3 से 4 मेरे पास पढ़ने बैठेंगी रेगुलरली, कंपलसरी। नहीं बैठेंगे तो मैं उसका स्टिचिंग सेट में नहीं आने दूँगी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ और बाकी की भी लड़कियाँ पढ़ लिख के तो आगे बढ़े, पर साथ में हाउस होल्ड की जो एक्टिविटी होती है उन सब में भी आगे बढ़े। मेरा तो बचपन से एक एम्बिशन था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। अभी ये 12th में पास करूंगी, 12th पास के बाद जो भी ट्रेनिंग होती है या कुछ भी होता है, पढ़ाई होती है, वो मेरे को करनी है। एजुकेशन अगर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है।